तो राधे राधे सबको, और आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज है 11 दिसंबर और हम कर रहे हैं अपनी लाइव स्ट्रीम। लेट हो गया था, बाहर काम था। आप जैसा कि आपने देखा, कल बताया था कि अनाज डिपो पे गया था और आज दोबारा से गया था तो आज मिल गया। 2 घंटे लगे पर लेके आ गए आज, और आते ही लाइव स्ट्रीम चालू कर दी, नहा लिया खाना खा के लाइव स्ट्रीम चालू करी है। और देखते हैं। अभी एक ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे ही अपडेट कर दी थी और दूसरी ट्रेड अभी चल रही है, जो हमारा टारगेट 60% बुक कर दिया हमने, और देखते हैं कहाँ तक जा सकता है ये। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी चलिए ये लाइव, और आज देखते हैं लाइव के अलावा और क्या कर सकते हैं हम। ब्लॉग तो बनाएंगे ही, लाइव करेंगे। और उसके अलावा अब सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा अपनी एग्ज़ाम की भी तैयारी करूँ। एग्ज़ाम आ रहे हैं, जून में है, तो तीसरी बुक और कंप्लीट करूँ। 2 बुक मैंने कंप्लीट कर दी थी पढ़ के, और तीसरी बुक देखते हैं पढ़ के कंप्लीट करते हैं, और फिर बढ़िया एग्ज़ाम देंगे और असाइनमेंट भी सबमिट करवा के आनी है। तो देखते हैं आज वही काम करेंगे। अभी 3 बजे तक तो लाइव हूँ, 12 बजे तो आया था मैं लाइव, और अभी 3 बजे तक लाइव हूँ। देखते हैं कितनी ट्रेड मिलती हैं और मिलेंगे आपको लाइव स्ट्रीम के बाद। देखते हैं क्या करेंगे लाइव स्ट्रीम के बाद। अभी लाइव है और कल हमारे कैमरे को क्या हो रहा है, तो हमारे कल हुए थे 111 सब्सक्राइबर पूरे। तो आप देख सकते हैं नवंबर दिसंबर दिसंबर में आके बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे हुई है। उससे पहले हम 80 पे थे, लेकिन नवंबर दिसंबर में आके ये 111 हमने टच किया है। तो सपोर्ट मिले तो ऐसे ही हम करते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, ब्लॉग बनाता रहूँगा मैं, लाइव स्ट्रीम करता रहूँगा। और जो मुझे चाहिए वो है आपका मोटिवेशन। सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे और मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आपको भी मैं इसके ज़रिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इसके ज़रिए मैं आपको प्रॉफिट करवाऊंगा। आप अपनी एनालिसिस से खुद कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, आप अपनी एनालिसिस से खुद कर सकते हैं। देखते हैं कहाँ तक इस करियर में जा सकते हैं हम। तो अभी एक बज चुका है, अभी 1 बज चुका है, 1:06 हो चुके हैं, तो 3 बजे तक लाइव करना है और देखते हैं क्या रहता है। यही दिखाना था आपको, हमारे 111 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और आपके बदौलत ही हुआ है। तो लाइव स्ट्रीम ऑफ होने के बाद आपको मिलते हैं। तो अभी मैंने लाइव स्ट्रीम ऑफ कर दिया है और अभी हम देख रहे हैं कबड्डी का मैच, जो नया सीज़न 10 चला हुआ है कबड्डी का, प्रो कबड्डी लीग का। तो सीज़न 10 का 17 मैच देख रहे हैं हम, हरियाणा वर्सेस दिल्ली। तो देखते हैं, अभी वैसे हरियाणा जीती है पर देखते हैं क्या, किसने क्या रेड लिया, और देखेंगे इसके बाद क्या कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम ऑफ कर दिया और अभी थोड़ी देर में इसको ऑफ करेंगे, और फिर उसके बाद शाम को अपनी वीडियो एडिट करेंगे व्लॉग की। ज़्यादा कुछ नहीं था आज, तो कोई बात नहीं, आज ज़्यादा कुछ नहीं था, सुबह से बिजी थे और उसके बाद आके लाइव स्ट्रीम चालू कर दी डायरेक्ट। तो आज हमने 7 ट्रेड ली थी, जिसमें से 5 हिट रही और 2 का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो कोई बात नहीं, 2 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है लेकिन 5 का प्रॉफिट हुआ है, तो लॉस कवर उसमें होता है। 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल रही हैं तो 2 लॉस में गई हैं तो भी लॉस कवर होता है, तो अब प्रॉफिटेबल ही थे। तो अभी देखते हैं, अभी प्रो कबड्डी लीग तो मिलेंगे आपको थोड़ी देर में इसको देखने के बाद। तो अभी मैंने मैच देख लिया है और अब चलिए अब अपनी पढ़ाई करते हैं। दिखाता हूँ मैं आज कौन सी बुक स्टार्ट करेंगे, वो पढ़ाई करनी है हमें, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो दिखाता हूँ कौन सा सब्जेक्ट आज पढ़ेंगे। तो चलिए अब वो बुक देखिए आप अगली क्लिप में। ये रखी है बुक और ये हमारी असाइनमेंट है जो कंप्लीट है, ये रही सारी 6 असाइनमेंट्स।
और आज बुक पढ़ेंगे हम इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गई थी कंप्लीट, मैनेजमेंट और जो बाहर हैं ये तीनों स्टोर ऑपरेशन हो गई थी, और ओवरव्यू ऑफ राइटिंग, रिटेलिंग और इंग्लिश कम्युनिकेशन भी हो गई थी। तो अब ये नीचे वाली ये जो है ये सभी पढ़नी है। तो चलिए अब BRL 104 पढ़ते हैं। ये है रिटेल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। तो देखते हैं ये कैसी रहती है। अभी वेट करें, एक बार निकाल लेता हूँ मैं। तो ये रही ये वाली बुक है, इसको पढ़ते हैं अब। इसके जो भी टॉपिक हैं देखेंगे, इसमें से समझ आता है तो इसमें से, वरना यूट्यूब तो है ही, इसमें से पढ़ेंगे, वरना यूट्यूब हमारा जिंदाबाद है। यूट्यूब पे आजकल सब कुछ मिल जाता है, तो यूट्यूब पे से ही पढ़ लेंगे। तो यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है तो यूट्यूब से ही पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे क्या रहता है, कब पेपर है हमारे, कब एग्ज़ाम की डेट निकलती है, जून में, जून में कब है। तो अभी तो असाइनमेंट भी सबमिट करवानी है, और एक और चीज़ है जो उसके लिए कंप्लीट करनी पड़ती है, तो वो मैं आपको कभी आगे बताऊंगा। तो अभी पढ़ते हैं इसको, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेट के पढ़ूंगा क्योंकि ठंड हो रही है, पैर पूरे ठंडे हो गए हैं, तो इस वजह से कंबल लेते हैं यहाँ पे लेट के, नींद आ गई तो सो जाऊंगा, और एक टॉपिक तो कवर कर दूंगा इसका। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, इसको एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद या फिर सोने के बाद। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो पढ़ते पढ़ते बहुत नींद आने लगी है इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके, फिर थोड़ी देर सो जाऊंगा मैं। नींद आ रही है लेटते ही, सुबह से काम कर रहा था पर अब पढ़ने लगा, दिख नहीं रहा, लेटा हूँ, पढ़ने लगा फिर नींद आ रही है थोड़ी बहुत। तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट करके फिर थोड़ी देर सोता हूँ मैं। तो अभी मैं पेट्रोल भरवा के आया था और अभी सोने का टाइम मिला ही नहीं, ये थोड़ा सा पड़ा था, नींद आ रही थी पर टाइम नहीं मिला। ये कितने दिन में कंप्लीट होएगी वो देखेंगे, अगर एक हफ्ते में ये कंप्लीट कर देता हूँ मैं तो देखेंगे कि होती है या नहीं। फिर रह जाएंगी हमारी सिर्फ तीन बु दो बुक, एक बहुत बड़ी है, सिर्फ दो बुक रह जाएंगी, और एग्ज़ाम है जुलाई, जून या जुलाई में, पता नहीं कब है, पर प्रिपरेशन पहले से ही चालू कर देता हूँ मैं। तो दो बुक हो चुकी हैं अब, तीसरी, तीन बुक हो चुके हैं, तीसरी इंग्लिश कम्युनिकेशन वाली तो थोड़ी सी रह गई है, पर ये स्टार्ट कर दी मैंने और अब करेंगे उसको स्टार्ट। तो देखते हैं कितने दिन में कंप्लीट होएगी। तो मैं एडिटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ अभी, तो आज छोटा ही व्लॉग हुआ है, और देखते हैं कल कैसा व्लॉग रहता है। पिछले जो दो व्लॉग थे उसमें तो आपने पूरा सपोर्ट दिखाया है और बहुत बढ़िया व्यू आ रहे हैं उसमें अभी तक, पर आज का देखेंगे आज का क्या रहता है, छोटा व्लॉग है और देखते हैं क्या रहेगा। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे।